बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी से दुआ के साथ कि हमने अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज, वैसे तो ये पूरा ब्लॉग जी पूरे दिन की रूटीन में शेयर करूंगी 12 रबी अव्वल की, लेकिन उससे पहले 11 रबी अव्वल की शाम के कुछ क्लिप शूट किए थे वो आपके साथ शेयर करूंगी। बहन आई थी छोटी, चौथे नंबर पर जो बहन है, असर की नमाज मैंने पढ़ के बैठी थी, कहने लगी कि क्या करी हो, मैंने कहा कुछ नहीं आ जाओ, तो कहने लगी आने का दिल चाह रहा है, अम्मी भी नहीं होती ना अभी इधर, तो इसलिए, तो कहने लगी मेरा बहुत दिल चाह रहा है और तबीयत भी ऐसी है, ये बहुत बीमार रहती है और छोटी भी है, तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा जो भी था मेरे पास खाने का मैंने किया जल्दी जल्दी इंतजाम, और मैंने कहा आप जल्दी सुबह ही बता देती तो कुछ अच्छे चावल वगैरह बना लेते, तो कहने लगी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं आप बना लो, तो फटाफट बस झटपट में जो रखा था सारे, बस ऐसे मैंने पुलाव टाइप का बनाया है वाइट, लेकिन ये इतना टेस्टी यकीन जानिए, क्योंकि वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं ना, इतने मज़ेदार बने थे, इतने मज़ेदार कि यकीन जानिए ये ऐसे हो गए चटपट जैसे बनाए नहीं थे, और बहुत मज़ा आया ये खाने में, और वाइज हमारा ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं अभी दोबारा गरम गरम ये चावल खा लूँ, तो इसको हमने रायते के साथ खाए थे और जी बड़े मज़ेदार अचार के साथ ये बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ जी ये चावल बहुत प्यारी खुशबू आती है, ये चावल बहुत जल्दी हजम भी होता है, बहुत मज़ेदार होता है, और इसका आप लुक देख सकते हैं फाइनल कितना प्यारा लग रहा है, मेरे पास पुदीना नहीं था वरना और भी टेस्ट अच्छा हो जाता। तो यहाँ जी हमारा खाना बन गया है, अब हम लगाएंगे जी अपना दस्तरखान और इसको सादे अंदाज में खाएंगे बड़े से बर्तन में निकाल कर। यहाँ जी सुबह जी नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम था और सब सो रहे थे, मुझे बनानी है आज खीर। आपको पता है आज 12 रबी अव्वल का दिन है और हर घर में नियाज़-ए-दुरूद का सिलसिला चल रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ, यानी सब के कोई ना कोई लंगर लाजमी होगा, तो मैंने तो भाई खीर का किया है आज लंगर, तो यहाँ जी खीर मैं अपने पड़ोस में तकसीम करूँगी घर में। तो ये 2.5 किलो दूध लेकर आए थे कल, मैं समझती हूँ कि खीर से अच्छा कुछ लंगर हो ही नहीं सकता अभी माशाल्लाह। आपको पता है कि ये जी 12 रबी अव्वल का दिन है और खीर बहुत अच्छी लगती है, चाहे हम बिरयानी कर लें, कुछ कर लें, जब तक खीर ना हो ना नियाज में तो मज़ा नहीं आता। यानी आज हमारे नबी की आमद, आमद नबी का चर्चा हर गली, हर मोहल्ले में, हर हर शहर में, हर कूचे में बहुत जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा होगा, इस कदर जुलूस, लंगर, ये वो, यानी कोई भी भूखा नहीं रहता, हर राहगीर सुबह जो निकलते हैं वो शाम तक जी लंगर ही लंगर से पेट भरते हैं। तो यहाँ जी हमारे नबी का नाम और उस पर जान कुर्बान हमारी, तो यहाँ जी हम बना रहे हैं जी अपने घर में जी छोटी सी नियाज लगवाएंगे खीर की, तो जगह जगह जी पता नहीं लोग क्या क्या लंगर कर रहे हैं, देगे की देगे लुटा रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे भी इतना दे कि मैं भी इस कदर का लंगर करूं और बड़ा सा मिलाद करूं। बहरहाल मेरी जो गुंजाइश होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना काम कर लूँ, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप लाखों लुटाओ, जितनी आपकी तौफीक है आप नियाज दुरूद करो, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप रख दो उठा के कि हमारे यहाँ तो कोई नियाज होती ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। तो ये काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि मेरे पिछले व्लॉग में भी बात शेयर की थी कि नियाज क्यों नहीं होती, भाई नियाज मानते हैं हम, होती है, हमने शुरू से देखी है, हमने अपने माँ बाप को देखी, अपने बड़ों को देखी, अपने बुजुर्गों को देखी है, तो क्यों नहीं हम मानते हैं, हम हर नियाज कबूल करें अल्लाह ताला हमारी, हम दिल से करते हैं। आपने देखा होगा चाहे मैं कम करूं या ज़्यादा करूं, नियाज मैं करती हूं लाजमी, और मैं मानती हूं अपने नबी को, अपने इमाम हसन हुसैन और उनकी आले पाक सदके जाएं उनके, तो मैं हर नियाज को दिल से और दिल में माफ़ी भी मांगती हूँ कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करना, मैं दिल से करती हूँ जो काम करती हूँ और जितनी तौफीक होती इतना ही करती हूँ, मैं ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। बहरहाल यहाँ जी मैं किचन से आ गई थी, अब रूम की तरफ खीर तो बनती रहेगी, अभी हस्बैंड ने नाश्ता भी नहीं किया तो मैंने सोचा प्रेस कर लेते हैं थोड़े से कपड़े, तो यहाँ आज मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला है, अगर पहनूंगी तो पहन लूँगी वरना मुझे ना कपड़े भाई बहुत अजाब लगता है, क्योंकि ये मेरा सिर्फ एक दो दफ़ा ही धुला है, लेकिन ये कि मुझे लगता भी आ रहा है लाइट सा कलर है ना मिलाद की मुनासबत से, तो बस कोशिश मेरी यही होगी ये पहनने की, कहीं गई तो, अगर नहीं गई तो वो भी नहीं पता अभी कुछ मुझे। बहरहाल अभी तो प्रेस कर लेते हैं फिर देखेंगे क्या होता है, जो भी होगा कहीं जाएंगे तो पहन लेंगे, वरना ज़्यादातर तो मेरा घर में टाइम गुजरता है, सामने अगर हाँ पिंडाल जो सजा है हमारा वहाँ का मिलाद अगर मैं जाऊँ, शायद जाती हूँ वैसे तो हर साल, लेकिन अगर गई तो लाजमी वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि इस व्लॉग में मैं नहीं शेयर कर सकती थी क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ जी कपड़े हमने कर लिए प्रेस, अब शाम में हम देखते हैं कि मिलाद हमें जिस शिरकत होती है या नहीं, ये सब अल्लाह की रज़ा है क्योंकि हम बदनसीब जा सकेंगे या नहीं। बहरहाल यहाँ जी हमने बादाम भी कट कर लिए थे, खीर अभी बनी रही थी और इसको रख देते हैं हम साइड पे। तो अब हस्बैंड कह रहे हैं जी नाश्ता ले आओ, तो हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। जी हाँ इस वक्त हैं हम दस्तरखान पे, हमारे पराठे बन गए थे गोभी गोश्त, और जी हमने निकाला आज थोड़ा सा अचार,
अचार भी, क्योंकि ये कह रहे हैं पराठे के साथ अचार भी खाएंगे। तो यहाँ जी हमारा नाश्ता इस वक्त, और हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स जी नाश्ता करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। ये जी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत मज़ेदार सा टाइम है, सब सो रहे हैं, हमारा नाश्ता हो रहा है और स्लो फ्लेम पे हमने खीर भी रखी हुई है। तो आपको कहीं जाना नहीं, हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहें, बहुत ज़बरदस्त आज का व्लॉग होगा। यहाँ जी सुबह का नाश्ता हमारा हम कभी भी मिस नहीं करते, नाश्ता हमारा माशाल्लाह बेहतरीन होता। और मेरी उन बच्चियों से भी बहुत बहुत जी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चियाँ नाश्ता नहीं करती वो जी नाश्ता किया करें। हमारे यहाँ तो कोई गेस्ट भी आते हैं और सुबह होती है मैं नाश्ता बनाने खड़ी हो जाती हूँ, ये नहीं कि मैं बाज़ार से मंगाऊँ या ये करूँ। बहुत मज़ेदार से पराठे सालन और चाय बस, और अंडे शंडे जो भी होते हैं बना लेते हैं, लेकिन ये कि कोशिश मैं करती हूँ कि घर का नाश्ता। बहरहाल अच्छी सेहत का राज है जी सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता लाजमी किया करें और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठने वाले लोग मैं कहती हूँ कि बहुत सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत देंगे परवरदिगार। देर तक सोना ये अच्छी बातें नहीं है, और ये जी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेट सोना, और रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी सुबह सवेरे उठें, चाहे दोपहर में आप दोबारा सो जाएं। ये छोटी छोटी बातें जो हम आपके व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं मुझे ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और जी मैं जब भी अपने व्लॉग में करती हूँ काम की बातें करती हूँ, ये नहीं कि फजूल बातें करती हूँ, आपको अच्छी भी लगती हैं, बहुत प्यारे प्यारे मेरे फ्रेंड्स के जी कमेंट्स भी आते हैं, और खुशी होती है पढ़कर कि आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, आप जी बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं, बातें करती हैं जी, थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार है। बहरहाल यहाँ जी खीर भी घुट गई थी और काफ़ी हद तक खीर घुट चुकी है और हमारी बातें भी चल रही हैं। तो यहाँ जी खीर है ना बहुत ही अच्छी तरीके से घुट गई है। अच्छा 2.5 किलो में ना मैंने एक पाव चावल लिए थे, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा है ना चावल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, खीर फिर अच्छी नहीं बनती। खीर में ना चावल की क्वांटिटी कम ही होना चाहिए, बिल्कुल कम, और खीर खुद ब खुद जब ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक अभी कितना प्यारा लगेगा। तो हमारी जी लंगर में बन रही है जी आज खीर, और वो भी वो वाले दूध की जो ये लेकर आते हैं, वो दूध बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, उसकी तो चाय भी इतनी अच्छी बनती है कि मैंने आपको दिखाई भी है काफ़ी ब्लॉग में, हमारी चाय भी बड़ी मज़ेदार बनती है। दूध अच्छा होता है ना तो चाय बाकी अच्छी बनती है, और दूध अच्छा होता है तो हमारी जी खीर भी लाजमी अच्छी बनेगी, और हर चीज़ अच्छी बनती है। दूध अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है खीर में भी टेस्ट नहीं आता, चाय भी अच्छी नहीं होती है। तो दूध से ही सारी बातों का नेमो बदल होता है, दूध दूध का अच्छा होना। यहाँ जी बहरहाल हमारा घोटने का अंदाज़ देखें कितना प्यारा है ना, हमने कोई घोटना लिया है ना कुछ लिया है, चावल खुद ब खुद घुट गए, बस ऐसे ऐसे गोल 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 मैंने इसको घुमाना है और चावल को घोट लेना है। तो यहाँ जी बहुत मज़ेदार सी खुशबू, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, और इस वक्त जी हम आपसे बातें भी कर रहे हैं अपने ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जी मैं माजरत चाहती हूँ थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। और जी रेगुलर हम इतना लॉन्ग व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर करते, आज थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, मैं माजरत चाहती हूँ, इसको जी फुल वॉच कीजिएगा व्लॉग का हमारे, और आपको पूरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आगे चल के देखिएगा हमने खीर को किस अंदाज में बनाया, किस अंदाज में सबके लिए हमने जी बाटी है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। आगे चल के आपको ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा, हम हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर भी कर लिया करें, और हमारे जी चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो लाजमी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी खीर हमारी अभी घोटने पर आ ही रही है, खीर में क्या समझती हूँ कि घुटी हुई ना ज़्यादा बेहतर। अच्छा बाज़ लोग मैंने देखा है साबूदाने की खीर बनाते हैं, नहीं जी नहीं उसमें टेस्ट नहीं आता, खीर को आप घोटो। और ये देखिए मैं चम्मच को किस तरह से ढक रही हूँ, चम्मच नहीं सॉरी ये मेरा चाय वाला डोंगा है जिससे मैं खीर चला रही हूँ, और इसको खीर निकालने में भी आसानी नहीं, मैंने ये लिया है तो इसको शॉपर से ढाँप रही हूँ और सफाई से सुथराई से, क्योंकि यहाँ जी हमारी खीर में बन गई थी और रूम में आ गई थी अपने, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं जी ये सारे इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि लंगर एक जैसा अच्छा लगता है, जब भी मैं कहती हूँ लंगर देना, हर लंगर सबको देने वाले को एक जैसा देना चाहिए, सेम एक जैसा मेरी सोच ये है। आपने देखा था जब मैंने बिरयानी पैक की थी, चाहे मैंने एक एक पाव की करीब दी थी, लेकिन सबको एक जैसी दी थी एक लेवल में, मेरे लिए सब बराबर होते हैं चाहे घर के हों बाहर के हों कोई भी हों, और होना भी यही चाहिए। अच्छा मेरे साथ कोई इस तरह का करता है ना कि सामने वाले को ज़्यादा अहमियत दे और हमें ना कम, तो ये मुझे बुरा लगता है बहुत, लेकिन ये कि मैं उसको बुरा नहीं मानती लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, मेरी सोच कुछ इस तरह की है। बहरहाल यहाँ जी खीर हम दे रहे हैं,
और इसको एक अंदाज में सबके साथ ये देखी। और मेरे सामने इस वक्त फातिमा खड़ी है, फातिमा जाएंगी और मरियम, मेरा जो भी बांटना होता है ना, मरियम फातिमा दोनों बांटती हैं। खीर भी हमारी ठंडी हो गई थी काफ़ी हद तक, गाढ़ी भी हो गई थी। और ये था जी खीर का फाइनल लुक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने नियाज में जी क्या बनाया था ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और हमारी जी फ्रेंड्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका प्यार, और आप सबकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, पसंद भी करते हैं और सराहते हैं और इतने अच्छी सी मुझे कमेंट्स करते हैं कि दिल खुश हो जाता है मेरा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ जी फातिमा खड़ी है मेरे पास और जी दस्तरखान भी मैंने जी, अच्छा मैं एक बात बता दूँ, ये अम्मा के हाथ का बुना हुआ है, ये अम्मा ने बनाया था। तब अम्मा को क्रोशिया तो चलाना आता है लेकिन अब तो नज़र नहीं आता है, तो ये जब मेरी शादी हुई थी ना तब का है, बहुत पुराना है हमारे, तो ये अम्मा के हाथ का बना हुआ है। आज के लोग भी जी यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जा जाती हूँ, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।